अभी तक जो जो भी लोग अगर ज्वाइन किए हैं तो वो ज्यादातर ये सोच किए हैं कि हम जैसे वो में ज्वाइन करेंगे तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, हमें ऐसे एप्पल आएंगे, हमें ऐसे ये आएंगे। लेकिन ऑनप्रेसिप क्या है एक्चुअली, मतलब ऑनप्रेसिप हम जब कुछ कंपनी करते हैं, कोई भी कंपनी करते हैं, सपोज कीजिए आप एमएलएम ही कर रहे हैं, कोई भी कंपनी कर रहे हैं, या फिर किसी या कहीं किसी फंड, ये म्यूचुअल फंड, LIC, कुछ भी चेक करते हैं, तो हम उसमें कुछ चीजें चेक करते हैं कंपनी के बारे में, कि कंपनी कंपनी कैसी है, क्या कर रही है कंपनी की, क्या क्या कुछ उसके पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट पे आज मैं डिस्कस करूंगा आपको। और उसी लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाई ऑन पैसिव, हम ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन करें। अभी तक तो हमने सुना है कि हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, हमें ऐसा होगा, IT कंपनी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी अभी है, मतलब अभी जो हमें शो हो रही है, दिखाई दे रही है कि क्या है, हम उससे गैस कर सकते हैं क्या ये जो ये बोल रहे हैं क्या ये सही है। और ये जो भी पॉइंट मैं आज डिस्कस करूंगा या अभी बताएंगे, ये खुद टेस्ट करके बताए हुए हैं, उन्होंने खुद बताया है कि एक कंपनी में ये चीज चेक करनी चाहिए, और उन्होंने ये चीज हमारी कंपनी में ये सब चीजें हैं। जो भी मैं उसका रेफरेंस दूंगा वो अपने ऑन पैसिव कंपनी के साथ में ही दूंगा, ये एक अच्छी कंपनी में क्या क्या क्वालिटीज होती होती है। तो अब जैसे इसमें प्रोडक्ट है, लीडरशिप है, पे स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, लीगल, सॉल्व रियर प्रॉब्लम, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस, वन इन बिजनेस, ये है। तो आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं इसको। हम जैसे कि हमारा पहला, अगर हम लेते हैं किसी कंपनी के, उसमें प्रोडक्ट लेते हैं, तो सबसे पहले हम कंपनी को उसमें चेक करेंगे कि कंपनी का जो हमारे हैं उसको कंपनी के प्रोडक्ट में क्या रहते हैं, ये प्रॉपर्टी है या पार्टनरशिप है, ये कंपनी किस तरह की कंपनी है, उसके प्रोडक्ट हमारे, अगर ऑन पैसे में देखें तो हमारे सारे जो टूल है हमारे वो प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी हमने खुद ही बनाए हैं उसके, और हमारा इसका कोई दूसरा ऐसे कोई इसको पार्टनर नहीं है, जैसे कि ऐसा करके हम कंपनी में किसी देखेंगे उस कंपनी में कोई हमारा कोई पार्टनर नहीं है वहाँ कंपनी में। तो ये चीज हम चेक करेंगे कि इस कंपनी का हम प्रोडक्ट हम कैसे हैं, उसका प्रोडक्ट हमारे, और उसकी मार्क सेकेंड है उसकी मार्केट वैल्यू कैसे, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू कैसी है। अब हमारे जैसे कि हमारे 27 प्रोजेक्ट ये प्रोडक्ट हैं, इसके बाद हमारे आगे आएंगे प्रोडक्ट जो फिजिकल प्रोडक्ट हैं, तो अभी हम तो जो जो साइट पे मेंशन है हम उसी की बात करते हैं। तो सारे प्रोडक्ट हमारे, आप इतने टाइम से वेबिनार वगैरह सुन रहे हैं, सबको आप चेक कर रहे होंगे कि हमारे प्रोडक्ट किस लेवल के हैं, किस किस दूसरे प्रोडक्ट में कॉम्पिटिशन दे रहे हैं और उनका लेवल हमारा कैसा है। तो ये से हम दोनों से पॉइंट पे हम हमारे मतलब वैलिड होते हैं, चेक कर सकते हैं कि हाँ ये 100% हमारे सही है, यानी कंपनी में हम इसको एंटर हम ला सकते हैं। क्या हमारे प्रोडक्ट हमारे शेयरेबल है, हमारे हम शेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट हमारे, तो हाँ ऑब्वियसली हम इसको शेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारे शेयर का ही वो है, हम जितना शेयर करेंगे इसको ड्राइविंग सेल करेंगे, या शेयर जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं हमारे ये सिर्फ अपने ओन बनाने के लिए होते हैं कि हमारे सिर्फ हम इसी चीज से बनाएंगे या हमारे उस पर चलेगा, लेकिन हम इसको शेयर शेयर मतलब तो सेल तक कर सकते हैं उसको हम, तो ये शेयरेबल है हमारा। और हमारे जो प्रोडक्ट हमारे कितने यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट हमारे, तो हम ये भी इसमें चेक करेंगे कि जैसे कि हम अभी आपने देखा होगा लास्ट के वेबिनार में जो ये एस करने स्लाइड वगैरह ये प्रेजेंट किए, तो वो कितने ये फ्रेंडली है, लोग स्क्रीन कैसा है उसका, कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, यूजर फ्रेंडली मतलब कुछ ऐसे होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशन होती है, आप उस पर जाके क्लिक करेंगे उस पर कहीं भी जाके, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ पे कैसे जाएं। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ ओ स्टाफ का एग्जाम्पल लेंगे प्रोडक्ट पे, तो उसमें हमारा क्या है, हम उसमें अगर राइट में आप एप्लीकेशन आपने खोल के देखा होगा उसमें, तो हम ऐसा एंट्री क्राइटेरिया कैसा है, एग्जिट क्राइटेरिया कैसा है, और आपका पेरोल कैसा है, और आपका सैलरी लीव, ये सब उसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ, बहुत अच्छे से, तो मतलब उसमें किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर एक दो बार किसी को आता भी नहीं होगा, एक दो बार अगर हम उसको समझाएंगे उसको या यूजर मैनुअल देख के भी वो बहुत इजीली उसको समझ सकता है उसको। तो ये हो गया हमारे इसमें प्रोडक्ट के बारे में, तो यानी कि ये हमारे जो 4 पॉइंट है, हमारे 4-5 पॉइंट है ये हमारे इसमें प्रोडक्ट में हमारी कंपनी के लिए ऑन पैसे के सारे प्रोडक्ट हमारे बहुत मतलब अच्छा है, उसमें हम सबको टेक कर सकते हैं कि हमारे ये सब अच्छे हैं। एंड फिर आता है हमारा लीडरशिप क्वालिटी, किसी कंपनी में प्रोडक्ट तो अच्छे हैं हमारे, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत आपके लोग जैसे हमारे IT टेक टीम है अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमारे अच्छे बनेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट को चलाना है, प्लान है कैसे हम सेल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो क्या उसका लीडरशिप क्वालिटी उसकी अच्छी है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी उसकी वो क्वालिटी मतलब लीडर हमारे कैसे हैं, मतलब हम टॉप लेवल का हम लीडर देखें, टॉप लेवल हमारे लीडर कौन है, हमारे मिस्टर हमारे एस हो रहे हैं, क्योंकि एक ग्रेट जिनका विजन है, जो एक स्टार्टिंग से विजन लेके चले हैं, तो उनका मतलब आई मीन वो उनकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो आप सब देख ही सकते हैं उसमें। तो आप जितने भी हमारे जो LC मेंबर हैं वो
वो सब हमारे ग्रेट हैं, जैसे कि आप वहाँ पे बाहर देखें माइकल विलियम्स हैं, और ये रेड हैं, क्रिस हैं, मार्टी हैं, और इंडिया में वहाँ विलियम सर हैं, नीरज जी हैं, जो जो कि बैठते हैं और हमारे सारे वेबिनार में बैठते हैं। तो ये हमारा टॉप लेवल का जो है, ये हमारा लीडरशिप बहुत अच्छा लीडरशिप है हमारा। और यही लीडरशिप जो होता है सेकेंड है ट्रांसपेरेंट। कितना ट्रांसपेरेंट है, क्या आपको जो चीज़ मिलती है, क्या वो जो आपको चीज़ बताई जा रही है, क्या आप अपने नीचे अपने जो हमारा टीम है, फाउंडर्स हैं हम, तो क्या उसमें वो ट्रांसपेरेंट है? हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जो भी चीज़ हमें बताई जाती है वो हमारे पूरे वेबिनार में कुछ क्लियर की, हमारे खुद एसर आके खुद क्लियर करते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी, आपका बात पूरा हमारा बैक ऑफिस में भी आता है हमारा, तो इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट है हमारा इसमें। और यही और जितना जो ट्रस्टवर्थी लीडरशिप है, हमारी जो टॉप लीडरशिप है, क्या वो हमारे लिए कितना हमारे लिए ट्रस्टवर्थी है, हम उनसे कितने ट्रस्ट कर सकते हैं, उनपे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, जो वो बोल रहे हैं उस पर कर सकते हैं। तो हम आज की डेट में आप देखेंगे, चेक करेंगे कि हम सिर्फ उन्हीं पे ही ट्रस्ट मतलब कर सकते हैं। जो हम जैसे कि हम जो हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होता है, वो अगर जो बोल दिया उसमें अगर ऐसे होंगे तो मतलब वही वही बिल्कुल सही है। उसके बाद जैसे कि 360 जो हमारा एक वेबिनार होता है, उसमें भी कभी ऐसा आते हैं, या आजकल जो मॉर्निंग में एक हमांग वाला जो माइकल विलियम्स आते हैं, तो ऐसे कुछ टॉप लीडर हैं हमारे जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो यानी वो एकदम ट्रस्टवर्थी इन्फॉर्मेशन रहती है उनकी। दूसरा, क्या वो जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, जो जिनका मैंने अभी सब नाम लिया, क्या वो कंपनी के लिए लॉयल है, कितना उनके लिए कितना ट्रस्टवर्थी है वो? तो हाँ, सबके सब देखो, 4 साल से बिना किसी पैसे कुछ से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, उसके बाद ये सब काम कर रहे हैं अपना, और एक दिन रात 24/7 वो काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी के लिए मतलब प्योरली लॉयल है वो। तो यानी कि ये सारे पॉइंट जो हमारे हैं ये बिल्कुल वैलिड होते हैं किसी कंपनी के लिए, कि हम ऑन पैसे हम एक जा सकते हैं ऑन पैसे में। एक थर्ड है हमारा इसका जो ऑन पैसे का, ये जो हमें सारे पॉइंट है, ये आप किसी भी और किसी कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं, और किसी के जा रहे हैं, लेकिन हम मैंने ये जो ये तो ऐसा ने बताया, तो उन्होंने अपनी कंपनी यानी ऑन पैसे से रेफरेंस बताया गया है उन। तो पे स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम जब जाते हैं तो मेन चीज़ तो हमारा सब पे स्ट्रक्चर ही होता है, कि हर कोई इंसान पे के लिए ही काम करता है, पैसे के लिए कर काम कर रहा है हर कोई, तो उसमें हमारा पे स्ट्रक्चर कैसा है? और यहाँ पे हमारा पे स्ट्रक्चर पहला पॉइंट है अनलिमिटेड, यानी अनलिमिटेड कोई इसका वो नहीं है, हमारा कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे मार्केट का आपके सेल होगी, जैसे जैसे प्रोडक्ट आपके सेल होंगे, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई कितना भी हो सकता है, जैसे ट्रैफिक आएगा वैसे आपके प्रोडक्ट सेल होंगे, तो वैसे ही आपका उसमें इनकम भी, कोई लिमिट नहीं है आपकी। रेसिडुअल इनकम, यस रेसिडुअल इनकम है यहाँ पे, यहाँ पे अनलिमिटेड आपकी इनकम है आपको, जो कि आपके नेक्स्ट टाइम आपके इंक्रीमेंट होते हैं, जो होते हैं, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता रहेगा तो वैसे हमारी इनकम भी बढ़ती रहेगी और अनलिमिटेड रहेगी। और ऐसा कुछ नहीं कोई बीच में कि आप इतना ही कमा सकते हैं इसके बाद नहीं हो सकता कि सपोज 5 लाख 10 लाख, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपको ट्रैफिक आएगा वैसे वैसे आएगा। तो क्या फिर तीसरा है हमारे मार्केट कैप, क्या हमारी जो मार्केट कैप यानी मार्केट में हमारे जो हम बना रहे हैं, या जो पहले भी था कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, हमारे प्रोडक्ट अच्छे होंगे तभी तो हमारा सेल होंगे, तभी हमारी इनकम आएगी, यानी मार्केट ऑफ वैल्यू है उसकी, यानी प्रोडक्ट हमारा जो मार्केट ऑफ वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी है, तभी हमारा उसका पे स्ट्रक्चर अच्छा होगा। और फोर्थ वन इज बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसे की नजर में इंटेंशन, इंटेंशन क्या है तो पे स्ट्रक्चर की इंटेंशन आप सब लोग जानते हैं, वो आप हमारी ह्यूमिनिटी को ऊपर करने के लिए आए हैं, और इंटरनेट पर जितना भी करप्शन है उसको उसे दूर करने के लिए आए हैं, और सब इक्वलिटी के लिए आए हैं, कि ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा अमीर है बहुत गरीब है, जैसे जो आपके डिफरेंसेस हैं, तो उसको ये हमारी इंटेंशन है ऐसे की, तो इंटेंशन तो बिल्कुल ही साफ है, उसी की वजह से ही शायद यहाँ पे 14 लाख 30 हज़ार लोग आज की डेट में हैं यहाँ पे, यानी ये भी सारे पॉइंट हमारे इसमें वैलिड होते हैं। इसमें फिर देखते हैं हम इसका कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है, उसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की कंपनी की माली हालत क्या है, कंपनी कैसी है, कंपनी क्या है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है कंपनी डेट फ्री, मतलब कंपनी पे कोई उधार ही नहीं है, ऐसा नहीं है कंपनी जैसे काफी सारी कंपनी होती है कि हमने वहां से लोन लिया है, हमने वहां से लोन लेके हमको मतलब चला रहे हैं कंपनी से। कुछ टाइम क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपने कहीं से कंपनी से लोन लिया है, जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में काफी सारे हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भाग गए हैं यहाँ से इंडिया छोड़ के, इसमें ऐसा ही होता है। इसमें उसमें क्या होता है कि हम बैंक से लोन ले लेते हैं, तो लेने के बाद हम अपने बिजनेस रन करते हैं, वो नहीं हुआ ऊपर सक्सेस हुआ फेल हुआ कुछ भी हुआ, तो फिर वहां से जो बैंक का फिर इंटरेस्ट और लोन फिर वो जितने दबे चलते चले जाते हैं कि वो कंपनी उठ नहीं पाती है। अब यहाँ पे हम ऑन पैसे की बात करते हैं, यहाँ पे ऑन पैसे कैसा है हमारा कि डेट फ्री, यानी किसी से कोई हमने पैसा नहीं लिया यहाँ पे, कुछ भी नहीं लिया है। अगर इनकेस हमारा एक प्लान बाई चांस ऐसा तैसा होना नहीं है, एक प्लान अगर फेल फेल हुआ तो हम दूसरे प्लान पे जाएंगे, ये ऐसे के पास बहुत सारे प्लान होंगे ऑब्वियसली, मुझे पता है कि अगर वो इतने बड़े विजन के साथ में है बहुत प्लान होंगे उनके पास।
एक प्लान अगर उनका फेल होता है दूसरा प्लान भी होगा, तो उसमें एटलीस्ट मनी के साथ ऐसा नहीं आएगा कि अभी कि यार हमें चलो ये प्लान फेल हो गया, मुझे तो यार बैंक का पैसा देना है तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, दूसरा प्लान कैसे करूंगा, तो ये डेथ फ्री में हो गया। तो यानी हमारे प्रॉफिट डिस्ट्रिक्ट बहुत बहुत मतलब सही है हमारा। और फिर सबसे पहले फिर होता है हमारे सब जो हम चेक करते हैं किसी ऑफिस के बारे में, ऑफिस लोकेशन चेक करते हैं कि आपके ऑफिस लोकेशन कहाँ पे है। अब जैसे कि हमारा हैदराबाद में जो हाँ मेन ऑफिस है, हैदराबाद में सबसे पहला तो लंदन में था ही, इसके अलावा हैदराबाद में जो ऑफिस है वो मेन आपका हाईटेक सिटी में है कि अच्छी जगह पे है हमारा ऑफिस। और मुकेश आने जी, जस्ट इंटरप्ट कर रही हूँ एक बार, आपकी वॉल्यूम बहुत लो आ रही है, बहुत ज्यादा लो। हेलो, ओके यस मुकेश आगे जी, अभी बहुत क्लियर है वॉइस। ओके मैंने कुछ लगाया था, मेरा आई थिंक मेरा सेटिंग उसकी होनी चाहिए थी। ठीक है, ओके ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम अभी ठीक है ना मैम? स्लाइड रन अभी कर रहे हो क्या? स्लाइड रन कर रहे हो क्या? रन नहीं, रन नहीं कर रहा। हाँ, रन कर नहीं रहा हूँ। कर रहे हो ना? नहीं, स्टेबल है। मैं आई मीन वो बिगिनिंग चला गया था, तो स्टार्टिंग में चौथे पेज पर, वो उस पेज पे आ रहा हूँ जिस पेज पे हम थे उस ओके टाइम। ओके ओके, अभी अभी क्लियर है ना? अभी और आ रही है अभी। वैसे हाँ एकदम क्लियर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू। तो हमारा जो ये ऑफिस लोकेशन है, हमारा बताया कि हैदराबाद के हाईटेक सिटी में है, और आप देख रहे 1 लाख स्क्वायर फीट का इसको ऑफिस है, और आपका 5 फ्लोर का ऑफिस है आपका। तो ये सब चीजें मैटर करती है कि ऑफिस ऐसा नहीं, जैसे कि कुछ लोग अपने सपने दिखाते हैं बड़े बड़े, और 2 रूम का 4 रूम का ऑफिस होता है या फिर 1 फ्लोर का ऑफिस होता है। बहुत जगह लोग 1 फ्लोर का ऑफिस ले लेते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पे जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे गुड़गांव वगैरह में DLF वगैरह है, तो 1 1 फ्लोर के ऑफिस होते हैं। तो बहुत एरिया में है आपका, लेकिन 1 फ्लोर पर हार्डली 40 50 लोग बैठ सकते हैं, तो वैसा नहीं है इसमें। ऊपर से आप सेकंड तो आप जानते ही हैं, वो जो बुर्ज खलीफा में ऑफिस है, वो तो फिर उसकी तो फिर बात ही करनी अलग है कि वो जो बुर्ज खलीफा में अगर ऑफिस है, लोकेशन वगैरह आपकी ऐसी है, तो वो तो फिर बेस्ट रहेगी रहेगी हमारी। बाकी हमारा एक सिंगापुर में है, और बाकी एक बांग्लादेश में अभी ओपन करने को सर ने बोल दिया, 2 3 लोकेशन और अभी आएंगे यहाँ पे। तो हमारी लोकेशन इसकी सबसे बेस्ट लोकेशन है हमारी इसमें। और थर्ड, हमारी जो एक हम जैसे कुछ कंपनी होती है, उनकी वेबसाइट वगैरह चेक करते हैं, जो वेबसाइट वगैरह जिसमें नाम भी लिखा है hoist.com, ये इस पर हम जाके किसी भी कंपनी के बारे में चेक कर सकते हैं, क्या होस्टिंग है, किससे होस्ट किया है उसने, तो इसकी प्रॉपर अपनी वेबसाइट है। तो अभी तो खैर इसकी जरूरत नहीं है जो hoist.com, क्योंकि आप देख ही रहेंगे ये पहले, जैसे कि अगर 2020 बात बात करते हैं, तब उस समय बहुत ज्यादा चेक करते थे उस समय पे। तो अभी तो आप देख ही रहे हैं कि सप्ते में हमारे 2 दिन अब हमारे ये वेबसाइट वगैरह चेंज होकर आती है हमारी 2 दिन, तो वेबसाइट तो, और वो भी इतनी अच्छी वेबसाइट है हमारी, जो कि आने वाले टाइम में भी 3 दिन हो जाएंगी, फिर आप कुछ टाइम बाद वो डेली हो जाएंगी। तो अभी तो खैर बेस्ट है तो हमारे लिए, तो ये तीनों यानी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हमारा उसमें सॉलिड है हमारे इसका। अब आते हैं हम इसके सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट एक पॉइंट हर किसी भी कंपनी का, सपोज कीजिए आप कुछ भी लेते हैं, कुछ भी XYZ, आप एक मोबाइल तक लेते हैं या आप लैपटॉप लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, सबसे पहले आप लेने से पहले आप एक चीज चेक करना चाहिए सबको कि इसका सपोर्ट है या नहीं है। कभी कभी आप जब बीच में बहुत सारे मोबाइल आए थे, रियल इनटेक और जाने कैसे कैसे मोबाइल आए थे, तो कुछ कम ये तो कंपनियां इंडियन कंपनी थी, अच्छी थी, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी कंपनी आई थी जिनको एक बार बाय परचेज तो कर लोगे आप, लेकिन उसका क्या होता है कि उसको सपोर्ट ही नहीं है, आपको कॉलम आ गई, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फोन ही नहीं मिल रहा है वहाँ पे उसमें, तो वो कॉलम नहीं होनी चाहिए कंपनी में। अभी जैसे कि हमारे यहाँ पे एक्चुअल सपोर्ट में एक्चुअल पर्सन है, यहाँ पे हमारे 24x7 है। अभी थोड़ा सा हमारे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, थोड़ा स्टाफ कम है, जैसे जैसे स्टाफ हमारा रिक्रूट होगा हमारा, तो अभी जो नीचे ईमेल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, फोन सपोर्ट, ये हमारा सारा रहेगा उसमें, ये हमारा बिल्कुल सारा रहेगा उसमें। सॉरी जस्ट वेट।
सॉरी, तो हमारा इसमें ईमेल सपोर्ट एंड चैट सपोर्ट, फोन सपोर्ट, हमारा सारा इसमें सपोर्ट रहेगा। तो सपोर्ट्स में कोई वो नहीं है हमारा, यानी सपोर्ट हमारा 100% रहेगा इसमें। अभी जितना है वो अभी लोग कुछ लोग कहते हैं कि हमारा इसमें रिप्लाई नहीं आ रहा है, हमारा इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उसमें लोग बोल देते हैं कि इंस्टॉल हो गया और ये हो गया। तो अभी हमारे हर तरीके, चाहे ईमेल, चाहे चैट, चाहे फोन, चाहे 24/7 चलेगा। जैसे हमारे प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही हमारे इतने लार्ज स्केल पे है, तो सपोर्ट तो देना तो बनेगा। बिना सपोर्ट, अगर चाहे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ भी हो, अगर सपोर्ट हमारा जीरो होगा तो प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाएंगे। हमें कोई नहीं खरीदेगा, एक बार खरीदेगा फिर बाद में नहीं खरीदेगा प्रोडक्ट्स को। तो ये सपोर्ट का हो गया, तो यानी ये भी हमारा सही है इसका। फिर दूसरा है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजीज। अब जो हमारी टेक्नोलॉजी है हमारा, एक तो हमारा सबसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ऊपर से हमारा जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं हमारे, वो हम इनहाउस प्रोजेक्ट बनाते हैं, बना रहे हैं। इनहाउस प्रोजेक्ट वो होते हैं जो हम खुद हम बनाते हैं अपने। एक होते हैं हम थर्ड पार्टी किसी को दे देते हैं, या फिर हम किसी से बनवाते हैं, दूसरी बड़ी कंपनी से बनवाते हैं कि ये प्रोडक्ट, फिर वो हमको देता है, फिर हम इसको रन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में हालांकि हमारा विजन यही था कि हम मार्केटिंग करेंगे किसी थर्ड पार्टी से अपने ये प्रोडक्ट बना के, फिर उसको हम रन करेंगे और मार्केटिंग करेंगे, उसका ये प्लान था हमारा। लेकिन जैसे जैसे वो प्लान चेंज होता गया और फिर विजन थोड़ा और बड़ा होता गया, तो सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं हम अपने ही खुद ही बना रहे हैं। हमारे इतने टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे हैदराबाद टेक टीम में, जो कि एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। और आप देख भी रहे होंगे, आप कुछ कुछ उनके मतलब उनका जो 2-3 साल की मेहनत है, वो अब आउटपुट सामने आ रहा है, जो हमारे प्रोडक्ट सामने आ रहा है, तो उसका वो आ रहा है। और तीसरा सेकंड है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर के बारे में बहुत कम स्टार्टिंग में डेटा सेंटर की हमारी बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि आपको सबको पता है कि हमारे SR हैं जो कि सरप्राइज देते हैं ऐसे, और आगे भी बोला है उन्होंने कि आगे भी सरप्राइज हमारे मिलते रहेंगे। तो डेटा सेंटर की स्टार्टिंग में बात नहीं होती थी कि डेटा सेंटर है या नहीं है। इतना बड़ा लार्ज, कुछ लोग बोलते थे टेक्निकल लोग, यार इतना लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर इसको स्टोर कहाँ करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसका रेंट पे लेंगे, जैसे कि AWS का, अमेजोन सर्विसेज का है, इसका हम रेंट पे लेंगे या क्या करेंगे, तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो ये SR ने बहुत पहले से सोच लिया था कि हमारा ये डेटा सेंटर हमारा होना चाहिए। तो इसका हमारा डेटा सेंटर तो हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। डेटा सेंटर, अपना डेटा सेंटर, ये डेटा सेंटर ही हमारा 20-30% रेवेन्यू हमें जनरेट करके देगा हमारा। तो ये तो हमारी बेस्ट पार्ट है डेटा सेंटर। और हमारी टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लेटेस्ट उस पर कर रहे हैं हमारे, और उसका ग्लोबल मार्केट कैसा है, मतलब आने वाले टाइम में इसका मार्केट कैसा रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो आपको पता है कि आने वाले कुछ टाइम में मतलब आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है हमारा, जो भी टाइम है इसका, तो ग्लोबल मार्केट तो हमारा इसका बेस्ट रहना ही है इसका। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लीगल कंपनी बन तो रही है, कंपनी हम बना रहे हैं, अच्छी से कंपनी बन भी रही है हमारी, लेकिन क्या वो कंपनी लीगल है, क्या वो कंपनी लीगलिटी में कैसे वो करती है। अब आपने हमारे ऑन पैसे का एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा, आप देखेंगे सर, हम लास्ट सर 3-4 वेबिनार से हमेशा बोलते हैं कि हमारा रिकॉर्डेड जाता है और US गवर्नमेंट को हमारा जा रहा है वहाँ पे, और सारा वो चेक करते हैं हमारा क्या हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। तो वो यानी वो एकदम लीगल होगी तभी तो वहाँ पे जा रहा है गवर्नमेंट को। अगर कोई इंसान लीगल नहीं है या कुछ चीज गलत कर रहा है तो वो ऐसे गवर्नमेंट को शेयर नहीं कराएगा अपनी चीज। इसके लिए हर एक कंपनी, जो जितनी बड़ी कंपनी होती है उनके पास एक लॉयर की टीम होती है, उनके पास एक प्रॉपर की कुछ भी हम केस में, जैसे कंपनी है कोई भी बंदा कंपनी, आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेक है, फ्रॉड है, मेरे पैसे नहीं लिए, मेरा ये नहीं करा, मेरा वो नहीं करा। उस लोगों ने स्टार्टिंग में किया हुए केस किया भी, एक आध जगह से इंडिया में केस भी आया हुआ, सुना होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पे भी वो चेक किया गया तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे भी। और एक आध जगह केस और भी हुए हैं ऐसे कुछ, तो हमारी जो लीगल टीम है, हमारी लॉयर की टीम है, वो सब उन्होंने चेक किया उसमें, तो वहाँ पे सब लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और तीसरा पॉइंट है ये, हम जो कंपनी है वहाँ पे सिर्फ है वो सारे रूल फॉलो करती है हमारे। जो हमारा थोड़ा बहुत डिले का रीजन ये भी है हमारा कि हम अगर 216 कंट्रीज में, 196 कंट्रीज में आज की डेट में वो वॉलेट हम क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग रूल है, हमारा इंडिया का अलग है, वहाँ का अलग है, तो हर कंट्री से उनके जो भी उनके इंटरनल जो भी उनका रूल होंगे उसको फुलफिल करके ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि US की कंपनी है तो US में ऐसे चलेगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलेगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सारे रूल अभी तक वो हम क्लियर करेंगे सारे रूल, और रूल के हिसाब से चलेंगे जितने कंट्री में। तो यानी ये रूल भी ये भी चीज़ लीगल चीज़ हमारी बिल्कुल प्योर लीगल कंपनी है हमारी। अब ये जैसे हमारी जो ये है कंपनी है, ये एक्चुअल में ये लोगों की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई है। जैसे कि हमारा जो ट्रैफिक, हमारा ट्रैफिक पेड ट्रैफिक है, पेड ट्रैफिक जो हम सब्सक्रिप्शन वगैरह लेंगे
उसमें जो जो भी कंपनी मार्केटिंग वगैरह करेगी तो उस मार्केटिंग से हमारा वो ट्रैफिक, उसको पेड ट्रैफिक कह सकते हैं कि हम सब्सक्रिप्शन लिया है हमने, इसलिए हमारा पेड वो पेड ट्रैफिक कहलाएगा। और हमारे जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे बहुत सारे हम अगर हमारे बहुत सारे B2B हैं, मतलब बिजनेस, तो जो जैसे कि हमारा वो स्टाफ है, ये वो स्टाफ हम लोगों के लिए नहीं है, हम जैसे आम फाउंडर के लिए नहीं है, जनरली बिजनेस पर्पज के लिए होगा। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 150 से लेकर 1,000 से लेकर 5,000 तक एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए ये काम करेगा। तो वो ये उनको जो आज की डेट में जो भी अपने टूल अपने यूज कर रहे होंगे तो वो कॉस्टली होंगे काफी, तो उनकी जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के, तो हम रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए, जैसे कि आज हमने देख रहे होंगे आजकल कि इसमें आपका जूम में देखें 2,000 की 20,000 की कैपेसिटी हमारी पूरी फिल हो जाती है हमारी, तो थोड़ा सा हैंग होता है, थोड़ा ये होता है, एज सर डेली बोलते हैं आजकल, देखो वो जूम के साथ क्या हो रहा है, हमारा वो कनेक्ट आने दो तब सब बेस्ट हो जाएगा। तो वो भी एक रियल प्रॉब्लम है। तो ये ऐसे कुछ बहुत सारे रियल प्रॉब्लम है जो हम रियल लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए, मतलब ऑन पैसिव आई है इसमें। और अपग्रेड मतलब ऐसा नहीं कि ऑन पैसिव ने आपने सुन लिया कि ये 27 करोड़ बनने हैं और यही बन जाएंगे, बाकी आपने ऐसा नहीं भी कहा होगा, आप देखा होगा उन्होंने कि जब तक हम हैं तब तक हमारे उस समय हमारे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारे लाइव उतरेंगे, हमारे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अभी हम तो ये 27 है, इसका कुछ फिजिकल प्रोडक्ट है और इसके बाद भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अभी सर लास्ट वेबिनार में सर ने कहा था कि 2 या 3 कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको नाम नहीं पता, लेकिन वो भी आपको जल्दी से पता लगने वाले हैं उनके नाम भी। तो ये हमेशा अपग्रेड होता रहेगा। और लोग कहते हैं कि चलो अभी AI टेक्नोलॉजी है, कल को अगर कुछ चेंज हो गया तो हमारे लिए सबसे बेनिफिट की बात यही है कि AI टेक्नोलॉजी पे आज हम काम कर रहे हैं, कल को अगर दूसरी टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उस पर स्विच हो जाएंगे, हम यानी उस पर अपग्रेड हो जाएंगे हम उस पर। तो हमें कोई डरने वाली बात नहीं, ये जो बोलते हैं पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए बिजनेस है, पीढ़ियों के लिए ही बिजनेस है ये। उसका रीजन ये है कि अगर कल को कुछ भी चेंजेस आते हैं, सपोज कर कल को तो जैसे बोलते हैं अगर 2040-50 तक देखेंगे तो सब कुछ ऑटोमेशन होगा, बिल्कुल ऑटोमेशन होगा। जैसे कि आप किसी मूवीज वगैरह में देखते होंगे, इमेजिनेशन देखते होंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है, वो रियल में होने वाला है। जैसे ड्राइवर लेस कार वगैरह ये सब तो आदमी आ गई है, तो ऐसे ऐसा बहुत कुछ होने वाला है कि सारा रोबोटिक ही हो जाएगा पूरा सब कुछ। तो उस टाइम पे भी हम ऑन पैसिव उस जगह स्विच कर जाएगी, हमारी जैसे ही जो जो भी टेक्नोलॉजी आएगी उसको स्विच कर जाएगी, तो हम उसको अपग्रेड के लिए हमेशा रेडी रहेंगे इसके लिए। और सबसे पहले फिर है हमारा ये कस्टमर का एक्सपीरियंस, जो मुझे कहते हैं ना आज हम जिसको वैल्यू 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 बना रहे हैं, कस्टमर की वैल्यू बना रहे हैं। तो हम आज के जो फाउंडर है, हम फाउंडर फाउंडर ही अपना देख रहे हैं, फाउंडर अपना बना रहे हैं अपना कि हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे क्या होगी हम। तो ये हमारे एक्चुअल में हम भी एक तरह कस्टमर ही हैं, हम एक फाउंडर भी हैं, रीसेलर भी हैं, कस्टमर भी हैं, सब हैं। तो हमारा इसमें वैल्यू है कि हमारी क्या क्या वैल्यू है हमारे इसमें, तो हम इसको वैल्यू चेक कर सकते हैं। यही चीज जब हमारे प्रोडक्ट लाइव होंगे तो वही हमारी कंपनी के साथ में जितने भी कस्टमर आएंगे, जितने भी हमारे रीसेलर आएंगे, तो वही उनकी भी वैल्यू ऐसी वही वैल्यू होने वाली है उनकी भी, मतलब आई मीन फाउंडर की। तो ऑब्वियसली वो वैसी नहीं होगी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कहेगा कि हाँ हमें इससे बहुत बहुत बेनिफिट है और हम इस साइड अर्निंग भी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट है, जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोझ कर रहे हैं हम, ठीक है जब किसी काम को कोई बोझ लगने लगता है तो फिर उसमें वो मजा नहीं आता, आई मीन अर्निंग वो नहीं कर सकते आप उसमें अर्निंग उसमें। तो ये इकबाल सर का हैंड रेज है। सर वो एक भाई संतोष निकम का बंद कर दिया, बराबर वीडियो ऑफ था, ऑफ करने का ठीक था। ठीक है ठीक ओके ओके। ओके ओके सॉरी। तो जैसे कि ये फन इन बिजनेस, मतलब हम कोई अगर हमसे कहे कि यार हमारा मन नहीं है, हम ये वाला काम करेंगे, तो वो वाला काम करने में आपको नहीं कर पाओगे, आप वो 100% उसमें नहीं दे पाओगे जब तक आपका मन नहीं होगा, आपको उसमें मजा नहीं आएगा उसमें। तो ऐसा क्या, तो इसमें उनका तो जिंदगी इसमें लगी हुई है उनको, वो तो बोलते हैं डू और डाई, ये तो बस करना है या मरना है, जो भी कुछ करना है तो वो करना ही है उनको, तो चाहे कुछ भी हो जाए करना ही है उनको। तो उसमें वो उसी में अब उनको मजा भी आने लगा है, देखो 24/7 वर्क भी कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे फाउंडर भी यूज कर रहे हैं, और हम लोग भी अगर यहाँ बैठ के वेबिनार कर रहे हैं तो हम लोग भी थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ी बहुत तो मतलब उतनी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो मेहनत करते हैं, हम लोग भी अगर वेबिनार यहाँ पे ले रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करते हैं कि आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक फन है यहाँ पे कि एक पैसे तो ठीक है बात की बात है, एक अपना इंटरेस्ट आएगा कि हम ऑन पैसे के साथ में जुड़े हुए हैं, और इस जुड़े के जब जुड़े रहेंगे सब कुछ तब हम नॉलेज हमको मिलेगा, उसके बाद में जब एप्पल आएंगे तो उसका अलग ही मजा आएगा आपने। और सब अब इसके बाद जब किसी किसी भी कंपनी के सक्सेस होने में क्या होता है, उसका पीपल का कंपनी का दोनों का हाथ होता है, जितने भी उसके कस्टमर होंगे, उसके एम्प्लॉय हैं, उसके जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं या हमारे कस्टमर हैं, तो उन सब इन सबका हाथ रहता है सक्सेस होने में, किसी किसी भी कंपनी का सक्सेस होने में। अगर वो अपने 100% देंगे
हमारे अगर वो अगर हम जो एम्प्लॉय है, हम फाउंडर है, हम अब आज अपना 100% दे रहे हैं, कल हमारे प्रोडक्ट जब लाइव होंगे, कस्टमर आएंगे, तभी तो उनको बहुत वो एक्सपीरियंस आएगा उनके पास कि हाँ ये चीज़ हमारी बेस्ट है, हमारी लाइफ में चेंज हो सकती है। तो हर किसी को 100% देगा तभी कंपनी को सक्सेस होती है। और अगर पीपल मैनेजमेंट की बात की जाए तो पीपल मैनेजमेंट हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ का जैसे जो भी हमारा अभी हम अगर ये फाउंडर्स की बात करें तो हम ऊपर से जो भी हमारा वेबिनार वगैरह होते हैं तो उसमें हमको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सब तो हमारे फाउंडर के लिए बताया गया है कि फाउंडर के लिए है। बाकी जो अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे, जो टेक टीम है हैदराबाद का, वहाँ पे उनका प्रॉपर उनका एक पीपल मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होता है उनका, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट हमारे टाइम टू टाइम अभी डेवलप हो रहे हैं और अभी आने वाले टाइम में हमारे इसमें आगे भी आ जाएंगे। ये थैंक यू इसके लिए। यस मैम, ये आपका एक टॉपिक था मेरा जो ये कि हम ऑन पैसे में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यही रीजन है। हम किसी कंपनी में अगर चेक करेंगे तो यही रीजन रहेगा उसी कंपनी में कि यही सब पॉइंट हमारे पास रहेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ हम कंपनी इस कंपनी ये ट्रस्टवर्थी है, इसका कस्टमर सपोर्ट है, इसका लीडरशिप है, ये वो ये कंपनी आपकी डेप्थ में नहीं है, तो यही सब कंपनी है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो आने वाला टाइम हमारा ऐसा होगा कि कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, इन्हीं सब पॉइंट की वजह से बनेंगे। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक टॉपिक और, मैं एक टॉपिक और कवर करता हूँ। सेकेंड टॉपिक है मेरा जो है एफिलिएट मार्केटिंग। आपने बहुत सुना होगा कि कंपनी मार्केट, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो कंपनी मार्केटिंग करेगी, कंपनी मार्केटिंग करेगी, या अभी हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि लिंक आएगा, लिंक शेयर करेंगे हम अपना, तब जाके हमको रिवेन्यू आएगा, हमारी सेल होगी, ये बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे आप। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है एक्चुअली, आइए इसके बारे में बताते हैं। तो एक एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है वो एक इंटरनेट के थ्रू, मतलब आई मीन इंटरनेट पे ही होता है। इंटरनेट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग इंटरनेट पे थ्रू होती है। पहले के अभी जैसे कि हमारा ये है, अकॉर्डिंग टू इन ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन इंडिया के जो है, उन्होंने कहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग 2025 तक 6,250 करोड़ का इसका बिजनेस रहेगा, इसका मतलब इसको क्रॉस कर जाएगा उसको। अभी इसमें होता कैसा है, इसमें चाहे हम इंटरनेट पे जितनी भी शॉपिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, कुछ भी परचेस करते हैं, सब इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं, तो उसमें हमारा ये 15 to 20% सेल्स का जो वो चला जाता है एफिलिएट मार्केटर को चला जाता है। ये मैं एक नॉर्मल एफिलिएट मार्केटिंग बता रहा हूँ, इसको हम ऑन पैसे से कंपेयर करेंगे तो ऑन पैसे पे हमारा तो बेस्ट है वो। तो अभी मैं इसका बता रहा हूँ, तो हम जैसे कि हमारा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब इन सब पे एफिलिएट मार्केटिंग होती है। हम जो घर में लोग बैठे हैं वो इंटरनेट पे यूज करके उस घर में बैठे बैठे अर्न कर सकते हैं पैसा हमारा। तो एफिलिएट मार्केटिंग आप देखेंगे पहले होता क्या था, जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैं अगर दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में यहाँ पे एक मार्केट है नेहरू प्लेस। तो ये 2001 2 3 में अगर हमें सपोज कीजिए एक वो कंप्यूटर का मार्केट है पूरा वो, तो उसमें अगर हम जा रहे हैं, हमें चाहिए कि एक हम कंप्यूटर खरीदना है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े रहते थे, एजेंट वगैरह, तो वो बोलते थे कि आपको क्या लेना चाहिए, लेना आओ, हम आपको दिलवाते हैं, आओ हम लेके चलते हैं उस शॉप पे जाके। तो वो जो शॉप होती थी, शॉप के पास जाके वो उससे उसका पहले से बोलता था कि मैं ये कस्टमर लेके आऊंगा और आप मेरे को जो भी होगा ये 200 300 रुपये आप मुझे दे दोगे इसमें, ठीक है। तो ये होता है, मतलब वो एक जैसे एफिलिएट्स वगैरह ना, ये वो एफिलिएट का ही काम करते थे उस समय के टाइम पे। एफिलिएट ऐसा तो ऐसे होता है जब मार्केटिंग नहीं होती थी। आपने बहुत जगह देखा होगा जैसे बीच में कोई आपको कहीं होटल ले रहे हो, कहीं भी तो रूम लाने के लिए, वो सब वही होता है। अब ये क्या हो गया, बहुत लोग समझदार होगा, लोगों ने कहा यार तो हम तेरे को फालतू में क्यों पैसा दे, फालतू में हम जाके उसी से ले लेंगे जाके, हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे जाके। तो अब लोग समझदार हो गए तो लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। तो ये जो चेन चलती है हमारी चलती है, ये सेलर आई मीन जो जो को सेल कर रहा है और बायर, और बीच में क्या होता है हमारा जो एफिलिएट होते हैं उस हमारे। तो एफिलिएट काम कैसे करते हैं मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ।
अब जैसे कि एफिलेट जो होते हैं ये इनके इनका जो बेनिफिट हमारा कैसा है मैं बताता हूँ उसके बारे में। इनका बेनिफिट हमारा कैसे है कि जब हम पेंडेमिक आया था उस टाइम पे बहुत ज्यादा और ज्यादा हाइप पे आ गया था। ये पेंडेमिक में सब कुछ हमारा इंटरनेट पे आ गया था। इंटरनेट की ही मतलब घर में बैठो इंटरनेट है तो उसके जरिए चाहे जूम हो चाहे कुछ भी हो आपका सब इंटरनेट के जरिए ही था आपका। बहुत सारे लोगों की सैलरी भी कट हुई थी। स्टूडेंट लोग थे वो सोचते थे यार मैं पैसे कैसे कमाऊँ और जो हाउस वाइफ होती थी वो भी सोचती थी कि पैसा मैं कैसे कमाऊँ। तो ये इसी के घर बैठे बैठे आप उसको कैसे पैसा कमा सकते हैं वो एथलीट मार्केटिंग के जरिए कमा सकते हैं। अब एथलीट मार्केटिंग का जो वो होता है इसमें जो कमीशन वगैरह होते हैं वो आपको 0.2 से लेकर 70% तक होता है। अब लोग कहेंगे 70% दे देगा कंपनी तो फिर कमाया क्या। लेकिन कुछ कंपनी ऐसे होती हैं जैसे कि वो सोचती हैं कि मुझे आप वो दो मैं आपको मुझे कस्टमर ला के दो बाकी वो मेरा लाइफ टाइम के लिए कस्टमर रहेगा मेरा। वो जैसे कि आपका वेब होस्टिंग का है, वेब होस्टिंग का अगर आते हैं तो वेब होस्टिंग का ऐसा नहीं कि आपको एक बार जैसे हमने अगर हम एक मोबाइल खरीदे जाएंगे तो ये मोबाइल के थ्रू हम किसी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अगर जा रहे हैं वहाँ पे तो वो सब एक बार परचेज करेंगे मोबाइल हम। लेकिन वेब होस्टिंग वगैरह जो होती है वो तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसके बाद भी रिन्यू रहेगा। तो उस टाइप में इसकी इनका जो रहता है कमीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें से कमीशन। अब जो ये कंपनी क्या करती थी पहले वो करती थी ये आपका मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा करती थी कंपनी उसमें जिसमें उनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। तो वो क्या कंपनीज क्या किया उन्होंने ये पैसा क्रॉस कटिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया बीच में एफिलिएट्स आ गए। एफिलिएट्स क्या होते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे वो उनके बहुत सारे अपने ब्लॉग होते हैं, ईमेल होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं एफिलिएट्स के उसके ये बताऊँ आगे स्लाइड में। तो वो क्या करते हैं अपने लिंक एक शेयर जैसे हमें बताया गया ना हमारा लिंक बनेगा वो एक हम भी एक तरीके एफिलिएट्स का ही काम करेंगे उसमें। तो हमारा लिंक रहेगा उस लिंक को हम कैसे शेयर करेंगे शेयर करके उसके थ्रू अगर हमारा कोई जाएगा तो वो हमारे एक कमीशन बन जाएगा हमारा। यही काम ऑन पैसे में भी होना है कि हमारा भी जैसे डोमेन कहते हैं हमारा लिंक बनेगा डोमेन नेम बनेगा ये हमारा बनेगा तो उसके थ्रू हमारा लिंक बनेगा वो लिंक हम शेयर करेंगे उसके थ्रू अगर कोई परचेस करेगा तो हमारा कमीशन बनेगा उसमें। सेम यहाँ पे यही है। अब कंपनी क्या करती है कि जो पहले मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करती थी उसकी क्रॉस कटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आती थी उससे कम जाके वो एफिलिएट्स में जाकर दे देती है क्योंकि आज की डेट में लोग बाहर तो निकल आने वाले अभी भी और आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है लोग घर के अंदर ही बैठेंगे घर के अंदर बैठ के ही काम करना है उनको और नेट के थ्रू ही सबके हाथों मोबाइल है ये सब कुछ देख रहे हो तो एफिलिएट मार्केटिंग आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा आने वाला है उसके टाइम से। अब इसमें जो होता है इसकी एफिलिएट्स की जॉब क्या होती है उनकी जनरली क्या होती है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देंगे उसकी सर्विसेज वगैरह कैसी हैं उसकी और उसकी क्या इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या है उनकी सर्विसेज क्या क्या है यही रहता है उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह में। अगर उसको लिंक पे जाओगे लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक पे क्लिक यही 3-4 चीज़ें उनकी रहेंगी इसके थ्रू अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आगे परचेज करेगा आगे नहीं तो फिर नहीं करेगा आगे ऐसे। अब हमारे जैसे कि जो एफिलिएट्स जो किस किस टाइप के होते हैं अगर हम ई कॉमर्स में जाएंगे तो हमारा अमेजोन फ्लिपकार्ट शॉपक्लूज ईवेज और अगर वेब होस्टिंग में जाएंगे तो ये होस्टिंग गो डैडी और ये सब हैं हमारे। और ट्रैवल में जाएंगे तो हमारे मेक माई ट्रिप यात्रा अगोडा और इंश्योरेंस में जाएंगे सॉरी अगर अदर में जाएंगे तो इन सब इंश्योरेंस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह रहती हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखेंगे आप इसमें अमेजोन में देखेंगे आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं तो फेसबुक पे कुछ भी सर्च करेंगे तो देखेंगे आपको उसका आप सपोज कोई एक शूज या आपने कोई मोबाइल को सर्च किया आपने कुछ टाइम में देखेंगे तो उसका ऐड आ जाएगा अमेजोन पे उसमें ऐड आ जाएगा आपका। अब उसमें जब ऐड आ जाएगा तो आप उसमें जब क्लिक करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट उस लिंक पर पहुंच जाएगा वो। ये तो ये हो गई एक इस तरह की मार्केटिंग की आप इसमें किसी का पैसा जनरेट नहीं हो रहा इसमें तो वो फेसबुक को पैसा दे रहे हैं कि हम उसका ऐड आपको दे रहे हैं वो फेसबुक वाले के है वो फेसबुक कमा रहा है। लेकिन यही चीज अगर आप भी करेंगे आप अपने थ्रू कर सकते हैं अपने कितने टाइप के हो सकते हैं आगे बताता हूँ आपको मैं। तो उसमें यही होगा उस लिंक पे क्लिक करेंगे तब जाके आप डायरेक्ट उस पे जाएंगे तो आपका परचेज जाएगा आपका कमीशन बन जाएगा आपका। तो अभी कैसे कैसे हो सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग जो लोग करते हैं तो वो पहले कोई ब्लॉग बना सकते हैं जैसे कि आप लोग वहाँ पर हम रहे हैं कोई भी है तो वो एक ब्लॉग लिखेगा और ब्लॉग के लिए क्या ब्लॉग लिखेगा कहाँ पे वो एक जनरली एक वेबसाइट होगी उसकी उसके डोमेन परचेज करना पड़ेगा होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा एक साइट रहेगी उस पर तो वो साइट पर अगर कुछ उसकी वो साइट पर अपना लिंक जो
इससे ना जो यहाँ का ये है अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब वगैरह, इनके आप जाओगे साइट पे तो इनके उस पर लिंक रहते हैं, इस पे कि एफिलिएटर आप कैसे बन सकते हैं उसमें, तो उसमें पूरा प्रोसेस है, वहां बन जाएंगे तो आपका लिंक जनरेट होगा, वो लिंक जब आप अपना इस पे ये ब्लॉग और सॉरी ये जो बताया ना ब्लॉग और वेबसाइट यहाँ पे लिंक डाल देंगे, इस लिंक पे जाएंगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल देंगे उसमें कि ये इसके बारे में बता देंगे, जैसे कि सपोज कि आप अगर हेल्थ हेल्थ उसमें आप तो हेल्थ वाले में आप क्या बताएंगे कि ये प्रोटीन है, ये खाने से ऐसा होता है, ये डम्बल है, ये ऐसे जो मशीनरी है जो भी कुछ है, तो आप उसका फोटो और डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देंगे, उस पर अगर क्लिक करेगा वो तो वहां पे चले जाएंगे। इसके कुछ जो तीन चार तरीके थे यहाँ पे, एक जैसे ब्लॉग बना सकते हैं, फिर आप यूट्यूब यूट्यूब आप देखेंगे कि आप बहुत सारे लोग अभी अपने ऑन पैसे में भी लोग अपने यूट्यूब वगैरह चैनल वगैरह हैं, हमारे यूट्यूबर हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं हमारे, तो वो लोग भी क्या क्या कर सकते हैं अपने यूट्यूब में उसके बारे में बताएंगे, अभी आने वाले टाइम में भी ऐसा होने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग यूट्यूब कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब, ये तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हैं, ये तरीके हैं आप उसके, तो फिर यूट्यूब उसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, नीचे कहेंगे हमारा ये लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, इस पर जाइए क्लिक पे, इस पर जाइए क्लिक कीजिए, तो वो भी डायरेक्ट हम उसके थ्रू उसको परचेज कर सकते हैं उसके थ्रू। ऐसे ई बुक है, ई बुक वगैरह रहती है जो ई बुक वगैरह हम बना सकते हैं उसको, और फिर हमारा ईमेल ईमेल लिस्ट, जैसे हमारे ईमेल लिस्ट हम आई मीन ईमेल जितने भी हमारे रहेंगे उस ईमेल को बना के, इसका भी एक टेम्पलेट वगैरह रहते हैं जो कि अभी आने वाले टाइम में आपको उसको बता दिया जाएगा, जैसे जैसे ही हमारे ये आगे आएगी ये जो ये सारी चीजें ना एफिलिएट मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं ये आगे प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी। अभी अभी आप समझ लीजिए कि हम इतने पांच छह तरीके से, और भी तरीके हैं, मैंने छह नोट किए थे यहाँ पे, तो और भी तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप हमने फेसबुक पे आप फेसबुक पेज बना लीजिए उसका, फेसबुक ग्रुप बना लीजिए आप उसका, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे बस आपको क्या है सिंपल, आपको जो लिंक आप जो जैसे कंपनी ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव आपका लिंक देगी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑन पैसिव के लिए भी करेंगे आप, यहाँ से बना के उसको लिंक वहाँ डाल दीजिए आप उस पर, उस पर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा, तो और इसमें इसमें यही होता है हमारा, सिर्फ क्या कहते हैं कि हम बस लिंक पे क्लिक करके हमारे लिंक के थ्रू ही जाए, कंपनी ऑन पैसे भी यही कर रही है कि हमारे लिंक के थ्रू ही जाए, वो सब कुछ हमारे लिंक के थ्रू जाए, जहाँ भी हम कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो बस हमारे लिंक के, वैसे कंपनी खुद मार्केटिंग करेगी, कंपनी भी आपको मार्केटिंग ऐसे करेगी, कंपनी के यही तरीके होंगे कंपनी के भी, या इसके या इससे और अलग लेवल के तरीके होंगे कंपनी के, लेकिन उनमें से इसको भी फॉलो करेंगे कुछ कंपनी करेगी इसको के लिए। और इसके अलग अलग जो एफिलिएट मार्केटिंग है जो इनका पे स्ट्रक्चर मतलब आई मीन अर्न करने का जो पैसा होता है वो अलग अलग होता है, जैसे कि पे पर क्लिक होता है, जहाँ पे सपोज कीजिए किसी का एक वेबसाइट है किसी की बहुत फेमस है, तो मतलब कोई पॉलिटिशियन है या क्रिकेटर है कोई भी है, तो उसका उसका समझिए कि बहुत हाई ट्रैफिक आता है, सपोज आप किसी एक विराट कोहली का ले लीजिए एग्जांपल, उसका आप देखोगे अगर एक पोस्ट डालता है इंस्टाग्राम पे तो कितने सारे फॉलोअर है, कितने सारे वो होते हैं, तो इसीलिए उसको एक पोस्ट डालने का भी उसको उतना पैसा मिलता होगा उसको, तो यानी ये यहाँ पर क्लिक है, बस आप क्लिक कीजिए आप उसकी इन्फॉर्मेशन में जाइए तो आपको उसका पैसा मिलेगा, थोड़ा कम मिलता है इसमें। फिर हमारा होता है पे पर लीड होता है, अगर हम वो अभी तक तो क्लिक करके उस साइट पे गया है वो, ठीक है उस साइट पे गया, उसने कुछ कुछ परचेज दिया कुछ भी नहीं किया, उसका पैसा अलग होगा, सपोज कीजिए उसका एग्जांपल में करूँ 1 रुपया मिलता है उसका, अगर वो लीड जनरेट करता है, लीड मतलब उसको आगे परचेज करता है उसको, मतलब सोचता है कि हाँ मैं लूंगा इसको मैं, तो उसे लीड जनरेट हो जाती है वो, और फिर जब वो लीड वो फिर उसका अलग पैसा मिल जाएगा तुमको, अगर वो लीड कन्वर्जन हो जाएगी तो कन्वर्जन यानी कि उसने वो आपने ऑन पैसे का एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि सपोज कीजिए आपने वो कनेक्ट पे अभी आप ओ मेल और ओ नेट आपका फ्री आएगा वहाँ पे आप यूज कर रहे हो कुछ भी, आपने किसी लिंक शेयर किया और आप बस वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके बंदा गया उस पर कहेगा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ ये हूँ वो हूँ ऐसे करके, तो वो लीड जनरेट हो गई उसकी, अब जब वो उसको परचेज कर लेगा तो वो कन्वर्जन कहलाएगा उसको, तो ये तीन चीजें होती है, और भी तरीके होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन फिलहाल मैंने तीन मेन मेन तरीके लिखे हैं यहाँ पे। अब सपोज कीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ लीड जनरेशन, जैसे कि आपने ये बताया यहाँ पे कि क्लिक करेगा फिर यहाँ पे एक पेपर लीड जनरेट करेगा फिर से कन्वर्जन करेगा, वही एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए मैं एक टारगेट है, इसको टारगेट कुछ चीज मैंने सेल करने का टारगेट लिखा है कि मैं इसको सेल करूंगा 100% इसको टारगेट लेके चलते हैं, आज इसको 100% हम सेल करेंगे, अपने मार्केटिंग करी लिंक दिया लिंक शेयर किया ये सब कुछ किया उसको, उसके बाद हमें क्या मिला उसमें
हमें 40% लोग उसमें इंटरेस्टेड दिखाया, 60% ने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सिंपल उसने देखा भी नहीं, चेक भी नहीं करा, ना क्लिक किया उसने। जैसे आप ही के पास बहुत सारे लिंक आते हैं, बहुत सारे मेल भी आते हैं ऐसे करके कि आप ये परचेस कर लिए, तो आपने कभी ओपन भी नहीं किया, आप सीधे डिलीट कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो 60% तो उसमें कट गए, 40% हाँ यार ये क्या है, मैं खोल के देखता हूँ, ओपन करता हूँ, उसमें हो सकता है मेरे काम में पूछो। तो उसमें 40% वो से कहते हैं इंटरेस्टेड, मतलब आई मीन उस पर लीड जनरेट हो गई इसमें। अब एक्चुअल में क्या है, 10% लोगों ने खरीदा है सिर्फ, तो हमारा 10% जो है ये हमारा हो गया कन्वर्जन रेट हो गया। तो जैसे कहते हैं ना एस सर का 23 और इतना परसेंट कन्वर्जन है, वो उनका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है उनका, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन रेट उसको, कि उनका अगर 100 लोग हम टारगेट रखेंगे तो उसमें से 23-25 लोग बहुत, जबकि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जबकि नॉर्मल जो होता है ना 5-6%, मैक्सिमम 6-7-8, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, इतना ही होता है। लेकिन एस सर जो एक बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के बादशाह हैं वो, तो वो इसलिए उनका 22-23% का कन्वर्जन रेट है, तो वहां पे ही आ जाएगा हमारे। ठीक है, अब सपोज कीजिए, अब ये तो हो गया लीड जनरेशन आपका प्रोग्राम हो गया, मतलब लीड जनरेट कैसे होती है, लीड जनरेट कैसे कहते हैं। अब आपका हो गया लीड नर्चरिंग, ये क्या होता है, हमारे पास 40 लोग तो आ गए थे, ठीक है, लीड जनरेट में हमारे पास 40, यहाँ पे लीड जनरेट में 40 लोग हमारे पास आ गए थे। एक्चुअल में क्या किया उसने, 10 लोगों ने खरीदा, बचे हमारे कितने, 30 लोग। अब 30 लोग क्या करेंगे हमारी नर्चरिंग में, इसे लीड नर्चरिंग कहते हैं। अब 30 लोगों पे जो 100 थे, 100 में से 40 इंटरेस्टेड आए, 10 ने खरीदा, जो 60 निकल गए थे, 60 से तो मतलब नहीं, उनको तो वो तो इंटरेस्टेड नहीं, वो नहीं खरीदेंगे, कोई बात नहीं, उनको द्वारा हम किसी और तरीके से देखेंगे उनको। लेकिन जो हमारे पास जिसने इंटरेस्टेड दिखाया था लेकिन उसने दिया नहीं, जब 10 ने लिया है, अब बचे हमारा 30 करते हैं, ये होती है नर्चरिंग। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे उनके साथ में, इनको ऐसा नहीं जान लेंगे, जब इन्होंने अगर इंटरेस्टेड इंटरेस्ट अगर दिखाया है वहां पे, तो इनको ऐसे नहीं जाने देंगे हम, इनको फॉलो अप करते रहेंगे इनको। जैसे अभी आपने सुना होगा कि ऑन पैसे पे करेगी 7 डेज के लिए, आपको बार बार वो करेगी, आपको 7 डेज के लिए ट्रायल भेजेगी, फिर भेजेगी, लास्ट टाइम शायद बहुत पहले ये सुना था कि लाइफ टाइम आपको बेचती रहेगी, जब तक उसको परचेज नहीं कर लेंगे उसको। अभी का क्या साइड हो सकता है कि सिनेरियो चेंज हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो उस समय ऐसा था, तो उसमें आपको फ्री ट्रायल के 7 डेज के लिए भेजती रहेगी, फिर 7 डेज, तो वो उस टाइम पे हम यही बता सकते हैं कि हमने जिस टाइम के लिए आपको फॉलोअप किया था, उसके बाद हमारा ये नया न्यू प्रोडक्ट आ गए हैं ये, और जो मतलब आपने ये चीज देखी थी कि हम इसको एक्स वाई जेड है, तो हम इसमें एक्स वाई जेड देखे, आपने इंटरेस्टेड नहीं हुए आप इसमें, लेकिन एबीसी और भी ऐड हो गया इसमें, तो और भी चीज ऐड हो गई, नया प्रोडक्ट आ गया, आप देख सकते हैं इसको कर सकते हैं, या हमारे फ्यूचर में ऐसी चीज आएगी, हम ये सर्विस देंगे, ये ऐसे करेंगे, तो उसको मतलब इस तरीके से हम फॉलोअप करते ताकि वो भी हमारे एक्चुअल कन्वर्जन में हमारे कन्वर्ट हो जाए हमारे वो, इसीलिए नर्सिंग कहते हैं उसको। अब हमारा जो है इसका एडवांटेज क्या है हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के, क्योंकि उसमें होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, भाई हम किसी भी टाइम कुछ भी करें, कभी वीडियो बना दें, कभी हम कैसे बना के ब्लॉग लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है उसमें हमारी, ये फ्लेक्सिबल है। और हर एक किसी भी प्रोडक्ट के, जैसे कि ये है हमारा, क्या अगर हम कोई चीज, हम एफिलिएट मार्केटर का फायदा क्या होता है, हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं, अब हम ऑन पैसे पे हम अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, हम एक तरह के एफिलिएट मार्केटर कहलाएंगे हम वहाँ पे, जब हम अब लिंक शेयर करके हम उसको देंगे, तो हमारा बेनिफिट क्या है, हमारा बेनिफिट इसमें ये है कि हमारा बेनिफिट इसमें ये है कि हम उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएंगे उसको, हमें मतलब नहीं है, हम उसको परचेस कर लिया, बाकी कंपनी का काम है, कंपनी जो दिखा 24/7 कस्टमर केयर रहेगा, वो कंपनी के टेक केयर है, कंपनी का टेक केयर करेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है उसको, हम सिर्फ लीड जनरेट करके उन्होंने परचेस कर लिया, बाकी कंपनी का हमारे मतलब है, तो ये चीज़ें सब फ्री हो जाएंगे। अगर हम अपना प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, अपना कुछ कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या लगेगा हमको कि वो हमें उसको सर्विस देनी पड़ेगी, ये है वो है ऐसा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, सपोर्ट सिस्टम हमारा सपोर्ट सिस्टम हमारा उसका जीरो हो जाता है एकदम इसका, ठीक है, और हमारा लो कॉस्ट, मतलब इसमें बहुत ये यूज करने के लो कॉस्ट है। आप जैसे कि आप कंपनी में सोच लीजिए, हमारे ऑन पैसे में ही $97 के साथ आप यूज कर शुरू किया, आपने फाउंडरशिप बन गए, ये 97 और फाउंडरशिप तो ये तो अलग चीज हो गई, ये तो बिल्कुल अलग चीज है। तो अब हम मार्केटिंग कर, हम रीसेलर या कुछ बनेंगे हम उसमें, तो उसमें हमारा क्या कॉस्ट लगेगा, हम स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, पूरा पैकेज तो अलग, मैं एक नॉर्मल प्रोडक्ट का कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है $12 हो, मे भी हो सकता है $50 हो, मे भी $100 हो, एक मैं वो कनेक्ट की बात करता हूँ उसमें, तो हमने सिर्फ वो लिया है, वो परचेस किया, उसकी मार्केटिंग हम कर रहे हैं, हम कितना पैसा खर्च हुआ हमारा, सब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, $50 हमने खर्च किया, $50 पे हम कितना क्या कर रहे हैं उसका, हम
उसको कितने लोग को दे सकते हैं, हम जितनी मेहनत कर सकते, जितना कुछ कर सकते हैं हम उतने लोगों को हम शेयर कर सकते हैं, उतना हमारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ $50 हमने उसको वहां पे किए थे। कंपनी जो अलग करेगी वो तो अलग करेगी। कंपनी ने जो बोला है कि हम आपको मार्केटिंग करके देंगे, आपके नीचे ये आएंगे, ऐसे आएंगे, इसके लोअर आएगा, वो सब चीज अलग है। मैं ये इग्नोर कर रहा हूँ। आप अगर थोड़ी मेहनत करना चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है जो कंपनी ने बोला वो तो कंपनी करेगी करेगी, ये आप एक्स्ट्रा उसके अलावा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आप कंपनी आपको ₹100 कमा के दे रही है, तो आप कहोगे यार मैं थोड़ा और ज्यादा कमा सकता हूँ, तो उसके सारे स्टेप है ये करने के लिए। तो आप ₹10 और कमा सकते हैं, 50 रुपये हो सकता है कि 100 कंपनी दे रही है, आप हो सकता है ₹500 और कमा सकते हैं। और इसके लिए कोई सेटअप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई सेटअप वगैरह नहीं, कुछ नहीं है ना। हम आने वाले, हमें कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई ऑफिस खोलना है, कुछ भी करना है, कुछ नहीं करना हमें। और वर्क फ्रॉम होम, हम मतलब हम घर से काम करेंगे, और फिर हमारे पैसे इनकम, हमारे पैसे इनकम हमारे इसमें आती रहेगी हमारी। तो ये हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का। तो थैंक यू पूजा जी।